कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राजधानी रायपुर के अटल नगर में आयोजित किसान आभार सम्मेलन में राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी सरकार है, अगर देश को बचाना है तो केंद्र में भाजपा की सरकार को हटाना होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से 10 दिनों में प्रदेश में कर्ज माफी का ऐलान कर अपने निभाए वादे को पूरा किया है, ठीक उसी तरह केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ चलकर काम करेगी और इनके हितों की रक्षा करेगी। राहुल गांधी ने अपने 30 मिनट के भाषण में पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तो चलिए आपको सिलसिलेवार सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा किसान आभार सम्मेलन में। और जब भी हम किसानों के कर्जा माफ की बात करते थे, सरकार से पूछते थे कि भाई किसानों को सही आमदनी मिलनी चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए, सरकार जवाब देती थी कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, यही सवाल हमने मध्य प्रदेश में उठाया, शिवराज चौहान जी ने वहां कहा पैसा नहीं है। राजस्थान में किसानों की बात की, सही आमदनी की, कर्जा माफ करने की बात की, वहां भी जवाब मिलता था पैसा नहीं है। और दिल्ली में मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने कहा कि एक बात बताइए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है, मगर 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों को आप 3.5 लाख करोड़ रुपए कर सकते हैं। आप राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा सकते हो। नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है, मेहुल चौकसी 30,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है, जनता का पैसा लेकर भाग सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं। हिंदुस्तान के चौकीदार के पास, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं है, मगर अनिल अंबानी के लिए 30,000 करोड़ रुपए पैसा है। और हमने अपना वायदा किया था, और छत्तीसगढ़ का हर युवा, हर किसान जानता है, हमने हर पब्लिक मीटिंग में कहा था कुछ भी हो जाए 10 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। जो बीजेपी के नेता 15 साल में नहीं कर पाए, वो कांग्रेस पार्टी ने 24 घंटे के अंदर निर्णय ले लिया था। उसमें आपको सिर्फ मन की बात सुननी है, 24 घंटे मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात।